का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, आज मैं ही दिखूंगी, ये तो ना के बराबर ही दिखेंगे। आज मैं बताऊंगी कि जैसे मेरी प्रेगनेंसी चल रही है तो पूरा दिन मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, सोती हूँ नहीं सोती हूँ, काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो अभी सुबह के बजे हैं 6 और ये मैंने पानी लिया है, पानी पीती हूँ मैं सुबह उठ के। वैसे मैं पूरी बॉटल पीती हूँ, पूरी बॉटल। तो अभी लेकिन अभी मेरा दिल सिर्फ एक ही मत कर रहा है पीने का, ज़्यादा नहीं कर रहा। इसके बाद मैं पानी पीऊँगी। और ये सुबह उठ चुके हैं, ये देखो ये भी पूरी बॉटल पी रहे हैं। मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ नलके का, मैं गर्म नहीं पीती, ये गर्म पीते हैं। मैंने छोड़ दिया गर्म पानी, बहुत टाइम हो गया। और मैं सुबह डेली जल्दी उठती हूँ, मैं लेट नहीं उठती हूँ, हमेशा जल्दी। आपको चिड़ियों और कौए की आवाज़ आ रही होगी, ये कौआ ना 5 बजे से लगा हुआ, इसने इरीटेट कर दिया बहुत ज़्यादा। मैं इनको कह रही हूँ भगा दो इस कौए को, पर ये जा नहीं रहे हैं। और सुबह सुबह बस उठ के सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, भगवान जी का नाम लेके पानी टॉन करनी पड़ी है। और इसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा वॉक करूँगी घर के अंदर ही, ज़्यादातर रोड पर, बस अपने घर के आगे आगे, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। और वो ना डैडी जी ने तोड़ के ना भगवान जी को चढ़ा दिए। और ये हमारे ना अंगूरों की बेल है, ऊपर अंगूर लग रहे हैं, अभी थोड़े पक जाएंगे ना फिर दिखाऊंगी। हाँ चलो फिर अब आपको इसके बाद बताती हूँ वॉक करने के बाद मैं क्या करती हूँ, है ना। अब मैं नहा ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है अपनी। और टाइम हो रहा है अराउंड 8:20 हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरा टाइम है ड्राई फ्रूट्स का। और ड्राई फ्रूट्स में मैं क्या खाती हूँ, मैंने लिए हैं 5 बादाम, ठीक है, और अखरोट और चने। और ये मैंने अखरोट और जो बादाम है ये रात भर मैंने भिगोए होते हैं और फिर मैं सुबह खाती हूँ। अभी जैसे मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, खाली पेट हूँ, तो मैं अब खाऊंगी। चने हैं, कहते हैं कि गर्म होते हैं, मैं सब कुछ खाया है मैंने अपनी प्रेगनेंसी में, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, अवॉइड नहीं किया। क्वांटिटी थोड़ी है, अगर आप देखेंगे मैं आप क्वांटिटी दिखाती हूँ, क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है। और जो बादाम होते हैं वो कहते हैं कि अपने वेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 6 बादाम खाने हैं, अगर 70 है तो 7 खाने हैं। लेकिन मैं 5-6 खाती हूँ, मेरा वेट 50 kg नहीं है, मेरा वेट ज़्यादा है। और लेकिन मैं खाती 5 बादाम, मैंने स्टार्टिंग से ही खाए हैं, इवन बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो मैं बादाम खाते ही खाती थी। और अखरोट मैंने अभी ऐड ऑन किया है अपने, थोड़ा टाइम हुआ है, आप कह लीजिए 2-3 मंथ्स हुए हैं, तो मैंने आधा अखरोट खाती हूँ, पूरा नहीं लेती, आधा, क्योंकि मुझे ना ये पिंपल्स दे देते हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी राइट नाउ मैं एक दिन का गैप देती हूँ, ठीक है। तो अब ये खाती हूँ, उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होगा, मैं बताती हूँ फिर ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ। मैंने पहले बादाम और अखरोट खाए थे, अब मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है। ड्राई फ्रूट खाने के बाद मैं अराउंड 20 मिनट्स के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। एंड आज ब्रेकफास्ट में क्या है, आलू और बीन्स की सब्ज़ी, ये है कर्ड एंड 2 चपाती, ठीक है, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। और अभी मैं ये खाऊँगी, और जो दही है, जब मेरा चपाती फिनिश हो जाएगी और सब्ज़ी, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं दही में शक्कर डालती हूँ। अभी फिनिश हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, बट मैं शक्कर डालती हूँ, ठीक है, शक्कर के 2 चम्मच। और जो दही है मुझे घर का अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मतलब मम्मा जमाते हैं, मैं भी जब मतलब रखती हूँ दही जमने के लिए, पर मुझे दही अच्छा नहीं लगता घर का, मैं वेरका का ही खाती हूँ, पता नहीं क्यों। और मुझे मीठा दही ज़्यादा अच्छा लगता, रायता इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं अभी 2 चम्मच शक्कर के डालूंगी बाद में, ठीक है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। अब मुझे ब्रेकफास्ट किए हुए 1/2 आवर हो चुका है, आधा पौना घंटा हो गया है। अब मैं अपनी मेडिसिन लेती हूँ, तो ये मेरी मेडिसिन हैं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, बिकॉज कुछ होते हैं जो ऐसे ही ना खाना शुरू कर देना विदाउट टेकिंग अ डॉक्टर एडवाइस। तो ये जो एक टैबलेट है ना, ये मेरी फेवरेट टैबलेट है, क्योंकि इसको जब खाते हैं ना तो चॉकलेट का टेस्ट आता है। एंड बाकी तो आयरन कैल्शियम की नॉर्मल सी टैबलेट्स हैं। और साथ में ये है सैशे, ठीक है, इसको पानी में घोल के तब भी पी लेना होता है। कैसे?
मैं आपको बताती हूँ, ये सैशे को कर रहे ना, एक बार इन्होंने ये सैशे पिया था, एक बार इन्होंने ये ना सैशे पिया तो कहते इतनी गंदी स्मेल है, कहने का इतनी गंदी है सोच नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं ना अच्छा लगा था, इन्होंने वन सिप लिया था, मैंने लेके तो देखो कैसा लगता है, फिर इनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इतना नमक डालते हैं? और ये जो सैशे है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, उसी टाइम आपको मैंने क्या बोला, इतना नमक डालते हैं गिरा रहे हैं आप इसको, ये नहीं कि रखे जोड़ा आ गया था। अब अगली चीज बताती हूँ, मैंने इनको ना गरारों के लिए गागल्स के लिए पानी किया, नमक डाला मैंने अच्छे से डाला, और मुझे नहीं समझ आया, दो ग्लास थे, मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे गरारों की आवाज नहीं, और ये करके आ गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि अगले बंदे करके आ रहा है। गरारे भी जाली करते हैं, नकली गरारे करके आते हैं, पता नहीं आवाज तो आई नहीं वो जो करते हैं। चलो अभी मैं देखना दोबारा करवाऊंगी इनसे। फीवर हो रहा है आपको? फीवर नहीं हो रहा है, बस ये है कि खराश हो रही है गले में, और आपके घर के मास्क डाला है मैंने, और एक बात है भाई, दोपहर को सोते हुए मेरे को ऐसी घबराहट हुई, मतलब बाहर जाकर मास्क उतारा मैंने, और बाहर जाके ऐसे लग रहा है पता नहीं सांस ही नहीं आ रही है, तो अब ठीक है वैसे। मैं जब मेरे 20 फीट में आती है अभी ना, मैंने बोला मैं तो दूर रहता, तो फिर भी पास पास ही होंगे, मैं करता रहूँगा, मैं ये करता रहूँगा, ये तो ठीक है यार, बस थोड़ा तबीयत थोड़ी अच्छी चल रही है, टाइम ही ऐसा है। रखना तो पड़ेगा ही, दुनिया में आए हो तो ध्यान रख लो, नहीं तो बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोगों को मैं एक और चीज बताती हूँ, कल ना रात को इन्होंने ऑरेंज खाया है सोते टाइम, मैंने बोला था मत खाना, अब ना इनको खराश हो रही है, ये ना मुझे टेंशन देते हैं, वो देखो कैसे घूम रहे हैं, बताओ क्या हो रहा है आपको गले में? तो घूमने से क्या होगा, गरारे करो, गरारे सुबह से गर्म पानी पियो, फीवर तो नहीं लग रहा। इन्होंने रात को ऑरेंज खाया, परसों इन्होंने मैंगो शेक लिया, इतनी सारी आइसक्रीम डाल के, ऑरेंज के साथ में ऊपर मैंने 10 किलो में पानी पी लिया, और पांच साफ। अब मैं इनको कह रही हूँ कि गरारे कर लो, तो वो भी नहीं करनी, मेरी केयर तो क्या करनी, उल्टा मेरे को केयर करनी पड़ रही है सब। अब बज रहे हैं 11, और अब मेरा कोकोनट वाटर का टाइम हो गया है, अब मैं कोकोनट वाटर पीऊंगी, और इसको मैं ग्लास में ही पलटूंगी क्योंकि मैं स्ट्रॉ यूज नहीं करती हूँ, और अभी मैं बस पीने लगी हूँ कोकोनट वाटर। वेट, अच्छी अब ये कोकोनट वाटर है, चीयर्स टू ऑल, आप भी पीजिए, ये तो वैसे ही बहुत हेल्दी होता है। आप कोकोनट वाटर पियेंगे, पानी मैं वैसे भी दिन का 4 लीटर करती हूँ पूरा, जैसे भी हो मैंने पानी पूरा करना ही होता है, बिकॉज मेरी गायनी ने स्टार्टिंग में मुझे बोल दिया था कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ताकि कोई भी यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं पानी बहुत पीती हूँ, वैसे ही मैं पानी बहुत पीती हूँ। तो अब उसके बाद मैं कोकोनट वाटर पिया, अब मैं थोड़ी देर के बाद आपको फिर दिखाऊंगी कि फिर मैं क्या खाती हूँ, मैं ऐसे ही खाती हूँ आधे आधे एक एक घंटे के बाद, ऐसे थोड़ा थोड़ा, और एक्सेस किसी चीज़ का नहीं लेती मैं, क्योंकि ना वो फिर ओवर ईटिंग हो जाता है, तो यहाँ पे गंदे गंदे से वो आने लग पड़ते हैं। तो चलो मैं आपको अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, मतलब मैंने और इन्होंने अर्जुन ने आज दिन तक नहीं सोचा कि हमें ऐसा चाहिए बेबी, वैसा चाहिए, छोटी गर्ल और अ बॉय, और गोरा होगा कि काला होगा, नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, हमें बस ये है कि बेबी हेल्दी होना चाहिए, दैट्स इट, बाकी रंग रूम कुछ मैटर नहीं करता, जिनके लिए मैटर करता वो करता होगा, बट मेरे लिए, और मैंने कभी इनके मुँह से भी नहीं आज दिन तक सुना, और इनकी नेचर भी नहीं है ऐसी। ये मेरा लंच है, इसमें मैंने आलू मटर की सब्जी है, कर्ली और चावल। अब मैं लंच कर चुकी हूँ दोपहर का, मेरा फ्रूट टाइम है, फ्रूट में मैंने क्या लिया है, ऑरेंज, एप्पल एंड अनार, ठीक है, और एक ये भी है चुकंदर, बीटरूट, इसको मैंने छील लिया, पील कर लिया है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, ऐसे वन वन बाइट करके आराम से खाती हूँ, लेकिन इसको मैं खाती अलग से ही हूँ चुकंदर को,
इकट्ठा नहीं खाती, ना किसी चीज जैसे खाना है उसके साथ एज अ सैलड भी नहीं खाती, ना मैं फ्रूट के साथ खाती हूँ, क्योंकि ना ये थोड़ा गले में लगता है और थोड़ा ना टेस्ट अलग हो जाता है अगर किसी और चीज के साथ खाए तो। इसको मैं सेपरेट खाऊंगी अलग से। और अभी मैं अपना फ्रूट फिनिश करती हूँ जो मैं खा रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। क्या हो रहा है मैडम, क्या खाया जा रहा है? क्या बीटरूट। जब से लड़की का ना कितना है आपका एचबी, थोड़ा कम एचबी कम हुआ तब से चुकंदर खाने लगी हुई थी। चुकंदर और अनार। चुकंदर और अनार देखो, अनार तो मैं पहले भी खाती थी, ऐसी बात नहीं है। चुकंदर 1 month हो गया नहीं, अभी नहीं हुआ। टेस्ट करवाए को? नहीं नहीं हुआ ना। और ये गले में इतना लगता है ना, चुकंदर खाया नहीं जाता फिर भी गले में लगा हुआ। देखो चली, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, चक्कर ही नहीं है। पूरा फ्रूट खाया है, ये छिलके ही दुकान ही बने। पूरा फ्रूट खाया तो बस अब इसको खत्म करती है। फिर खारिश नहीं होती गले में? होती है फिर भी, है ना। चल कोई नहीं, है वो करना है। चलो ठीक है, सही चीज करनी ना। तो सही क्या करनी, अपने लिए करनी ना। तो गलत नहीं ना करनी, अपने लिए करनी ना। तो सही क्या, गलत क्या, वो सब अपने लिए। क्या कर रहे हो आप? अरे यार अच्छा, इन्होंने इसमें शर्माना है, ये बहुत दो ही है निकर पहनी है ना, इसलिए शर्माई जा रही है, मेरी लेग्स दिख जाएंगी, लड़कियां नजर लगा देंगी, है ना इनको। चल ये मास्क पहन के बैठे हैं, देखो वीडियो एडिट कर रहे थे और मास्क पहन के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको गले में खराश हो रही है ना सुबह से, तो इसलिए। परसों मैंगो शेक में भर भर के आइसक्रीम डाली है। ओ याद आया, मैं आइसक्रीम से मैं भी डाल लेती हूँ। और हाँ, ये मेरा बनाना शेक का टाइम है और इसमें मैंने प्रोटीन पाउडर डाला है जो प्रेगनेंसी में मुझे बोला गया है लेने के लिए, 2 चम्मच। चाहे मैं सुबह ले सकती हूँ चाहे शाम को ले सकती हूँ। तो मैं दूध बहुत कम लेती हूँ, मुझे दूध नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा दूध और 1.5 बनाना केला डालती हूँ और 2 चम्मच में प्रोटीन पाउडर के। अब मैं इसमें आइसक्रीम भी डालूंगी थोड़ी सी। मैं मेरे को क्या खाने को, ये ना अपने आप मजे ले लेते हैं और मेरी बारे में गलत ना हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो देखा कितने चंडो, बहुत चंडो बंदे हैं। अब हो गए हैं शाम के 6 बज रहे हैं और शाम को भी मैं मतलब मेरे को होता है कि मैं कुछ खाऊं। तो आज मैं मीठा बना रही हूँ कुछ, मुझे मीठा बहुत पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा फेस भी हैवी हो गया, आपको पता है, ये देखो ये चेन आ रही है यहाँ से, डबल चेन तो ये होती है। अरे ये डबल चेन नहीं होता, डबल चेन आ गई है। इनको छोड़ो, इनको तो पहले से ही है डबल चेन, बड़े आए हैं। अब मैं मूंग दाल हलवा बना रही हूँ और ये ना छेड़े दे रही थी मैं कितनी देर से, मैंने इनको बोला अब आप दे दो। देखो अब भाग जाएंगे फोन की वजह से, यार कितने गंदे कंपनी का फोन आया है, छेड़े दो। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि मूंग दाल हलवा ना बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो अभी मैं छेड़े देंगे और यहाँ मैंने रखे हैं काले चने। अभी रात को बनेंगे काले चने, चावल और चपाती और रेड़ू, हमारे इधर रेड़ू कहते हैं या फिर पलदू भी कहते हैं इसको, दही का बनता है, दही को छोंक देते हैं, तड़का देते हैं और साथ में सलाद होगा और चपाती चावल तो होंगे। ठीक है, और अभी जब रेडी हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इवनिंग में ज़रूर कुछ खाती हूँ, अभी मीठा तो डिनर टाइम में होगा, डिनर के बाद। और अभी मैं मखाने और थोड़े से जब चने बॉयल हो जाएंगे तो थोड़े से मैं भूनूंगी इनको और मखानों को भूनूंगी थोड़ा सा हल्का सा देसी घी में, हल्का सा, और फिर खाऊंगी। तो वो दिखाती हूँ मैं आपको, इवनिंग में मैं स्नैक लेती ही लेती हूँ। ये मेरा इवनिंग स्नैक है जिसमें मैं एग लेती हूँ, 1 एग लेती हूँ, एक्चुअली हाफ मैंने खा लिया है और ये हाफ बचा है। तो मतलब मैं एक अंडा लेती हूँ, मखाने और ब्रोकली, मैंने शुरू से यही खाया है स्टार्टिंग से, और एग भी मैंने स्टार्टिंग से ही खाया है। सॉरी एक्चुअली मैं भूल गई, 8 बज गए हैं, पूरे 8 बज गए हैं और डिनर टाइम हमारा 8 o'clock का है। और सॉरी इसलिए क्योंकि मैं खाना डाल चुकी हूँ, मैंने खा भी लिया है थोड़ा सा और मुझे अब ध्यान आया, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिनर में क्या है, मैं उसकी प्लेट की फोटो दिखा देती हूँ। ठीक है, जस्ट वेट।
ब्लैक चने चावल वन चपाती, ये रेडू है जिस दही का, ये तलदू भी कहते हैं उसको, ये खट्टा मैंने थोड़ा ही लिया टेस्ट नहीं किया, और ये है सैलड। और यहाँ बैठो और ये बैठे हैं यहाँ। अब टाइम हो रहा है 9:30। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीठा जो मुझे बहुत पसंद है, ये रहा मूंग दाल हलवा। एक सेकेंड ना, लाइट एक्चुअली छोटी जलाई है, बड़ी बंद कर दिया, अब रात के टाइम बंद कर लेते हैं। ये रहा मेरा मीठा मूंग दाल हलवा, अब इसे खाएंगे। और मैं मोस्ट प्रोबेबली बाय 10:15 और 10:30 तक मैं सो जाऊंगी, ठीक है? तो और गुड नाइट, और वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और आप कुछ बताना चाहते हैं प्रेगनेंसी में और क्या खा सकते हैं जिससे जो कि हेल्दी होता है, प्लीज़ बताइएगा। और प्रेगनेंसी में वैसे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ खाया है, एक पपीते को छोड़ के और पाइन एप्पल को छोड़ के, बाकी मैंने सब खाया है यार, कुछ नहीं छोड़ा। और मटन नहीं खाया मैंने, नॉन वेज, फिश खाई है, चिकन भी खाया है, एग्स मैं खाती हूँ डेली, नवरात्रों में बंद किया और बर्ड फ्लू के टाइम पे बंद किए थे। अगर आपको कुछ पता है कि जो बहुत हेल्दी है प्रेगनेंसी में, तो प्लीज़ बताइएगा, मैं वो भी खाऊंगी, ठीक है? चलिए तो ठीक है, ओके, गुड नाइट, आराम कीजिए और अपना ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए।